बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवई बनाएंगे। किमामी सेवई की जैसी ही ये रहेगी, लेकिन किमामी सेवई बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो बहुत से लोगों को वो नहीं पसंद होती है मीठे की वजह से। तो थोड़ी कम मीठी किस तरह बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट रख कर। और ये देखिए, एक एक सेवई अलग अलग है, तो परफेक्ट रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो सॉस पैन को गर्म करेंगे। 3 कप हम लेंगे शक्कर, तो जितना शक्कर लेना है उतना ही पानी लेना है। तो मैं यहाँ कप से नाप के ले रही हूँ 3 कप। तो लेकिन अगर आपके पास कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी से इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए, 3 कप ही इसमें हम पानी डालेंगे और इसको चला देंगे। हाई फ्लेम पे इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तो कोई भी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम तार वाली चाशनी बनाते हैं जब इससे वही बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है। तो इसके लिए ना बस इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसमें हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। तो 3 से 4 ड्रॉप डालना है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सेवई में। अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालें। 1 टीस्पून भर के डालेंगे इलायची का पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, इससे सेवई बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। और ये सारी चीज़ जब मिक्स हो जाए, बस हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है। इसको कवर करके हम साइड में रखेंगे और इसके बाद हम सेवई को बना लेते हैं। तो ये 10 मिनट में बनकर तैयार होती है, सुपर टेस्टी, सुपर यमी और परफेक्ट सेवई की रेसिपी। तो बस हमने जिस बर्तन में हमने सेवई को बनाना है उसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालना है देसी घी। कभी भी मीठे को देसी घी में ही बनाएं, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देसी घी जैसे ही गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर बादाम है 10 से 12, उसको भिगा के इसका छिलका निकाल लेना है। 10 से 12 काजू है और 10 से 12 पिस्ते हैं। तो ड्राई फ्रूट अगर कम या ज़्यादा आपको डालना है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें नारियल या फिर चिरौंजी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालें, और जो नहीं पसंद है अवॉइड कर सकते हैं। बस इसको लो फ्लेम पे भूनना है। इसको बस हल्का सा इसमें अच्छे से महक आने लगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं, कलर इसका चेंज नहीं करना है, नहीं तो कलर इसका ख़राब हो जाता है और खाने में भी थोड़ा सा कड़वा लगता है। बस ये देखिए हल्का सा चेंज हुए, बस इसको फटाफट से निकाल लेना है हमें दूसरे बर्तन में। तो ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। फिर ये देखिए इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट निकाल लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, यानी तकरीबन इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी इसमें जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घी इसमें डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। तो 4 कप ये सेवइयाँ हैं, बिल्कुल बारीक वाली जो सेवई आती है जिसको बनारसी सेवई भी कहते हैं, ये वो वाली सेवई है। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट करी थी, तो इसके लिए इसको भूनना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी भुनी हुई नहीं रहेगी तो आप इस स्टेज पे इसे भून लीजिएगा अच्छे से। तो ये यहाँ पर देखिए भुनी हुई थी, तो मैं इसको नहीं भूनूँगी, बस हल्का हल्का सा मिक्स कर लूँगी घी में। तो बस ये मिक्स हो जाएगा और फिर हम जो शुगर सिरप बना कर रखे थे चाशनी हमारी, वो गरम ही रहना चाहिए, ठंडी चाशनी इसमें ऐड नहीं करना है। तो गरम गरम चाशनी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। और फिर हम इसमें डालेंगे खोया, मावा इसमें ज़रूर जाता है, इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 कप है 250 ग्राम के बराबर। तो अगर आप कम या ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर इसको हम मिक्स करेंगे और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़ा सा खोआ भी बचाएंगे गार्निश के लिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी बचाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये सेवई बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही अच्छे से ये जो हम इसके अंदर शुगर सिरप डाले हैं बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और परफेक्ट हमारी सेवई बनकर तैयार हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए सेवई कितनी ज़्यादा हो गई है क्वांटिटी में। और ये बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त और यमी सी सेवई हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं एक एक सेवई अलग अलग है और सॉफ्ट है, रसीली है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस इसको सर्व करेंगे। तो आने वाली ईद पर इसे ज़रूर बनाएँ। और आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बेल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो बस ये देखिए ड्राई फ्रूट और खोवे से गार्निश करेंगे, ज़बरदस्त सी हमारी
कि मामी सेवई बनकर तैयार है।